हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हमारे हिसार में एक मॉल है, विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पर एक जगह पर सभी घर का सामान मिल जाता है, किचन का सामान, मतलब ओवरऑल सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तो इधर मैं आती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना रेट सही है, प्राइस बहुत ही मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है हर एक सामान पर। तो विहान को लेके आ गई थी, एक्चुअली मम्मी का यूरिन सैंपल जमा करवाने निकली थी, तो वहाँ से सीधा इधर आ गई और इतनी गर्मी है, धूप है, विहान मेरे साथ लग गया, रोने लग गया। अदरवाइज मैंने सोचा था कि मम्मी के साथ पास ही छोड़ दूंगी विहान को और मैं अपना आ जाऊंगी फिर। तो यहाँ पे मैं आई थी शॉपिंग करने के लिए, आपको पता चली जाएगा क्या शॉपिंग करनी है, और इसके अलावा मुझे आप लोगों से और भी बहुत सारी बातें करनी है, वो मैं इसी में वीडियो में ही साथ के साथ करती भी रहूँगी। देखिए अभी हमारी फैमिली में बात चल रही है कि मम्मी अब पापा जी के साथ वहीं रहेंगे, इस तरीके की बात अभी इसीलिए चल रही है क्योंकि आप भी समझ सकते हो, क्योंकि मम्मी अब बुजुर्ग हैं, 62 साल के हैं, बीमार रहते हैं, कल को अकेले घर में रह रहे हैं, कल को कुछ भी दिक्कत हो जाए, हेल्थ इशू हो जाए, कोई संभालने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आप खुद ही सोचिए ना वो चीज़ कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गई मम्मी को, रात को दिल में कुछ भी ऐसे है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पता भी नहीं चलेगा। तो ये यही वजह है कि हम ये डिसीज़न ले रहे हैं कि ना मम्मी आराम से वहीं रहेंगी, मतलब भाई के साथ, पापा जी के साथ, तो ऐसा फैसला लिया जा रहा है। तो देखते हैं, मम्मी को मनाना है, बस यही एक बड़ी मुसीबत है। जैसे भी होगा देखा जाएगा, बाद में देख लूँगी फिर मैं, उस घर की साफ़ सफाई करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे मैनेज करेंगे। अगर पापा जी का जैसे देख लेंगे क्या करेंगे, वो घर लोग लगा लूँगी मैं। तो यहाँ पे देखो, मैं जब भी यहाँ आती हूँ नूडल्स के पैकेट ज़रूर खरीदती हूँ और मेरे ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं यहाँ, मैंने लास्ट टाइम ग्रोसरी की शॉपिंग यहाँ से इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे थे 12 दिन के, तो अब मेरे फास्ट नहीं चल रहे हैं, मेरा कोई वर्थ नहीं है, तो मैं अब ख़रीद सकती हूँ, खा भी सकती हूँ। ये आटा नूडल्स है, यहाँ पे जो ये क्रॉप नाम से जो ब्रांड है ना, ये शुरू से यहाँ पे मिलता है यहाँ मॉल में, और ये एक के साथ एक फ्री मिलता है। तो इधर ये वाला देखो, इसमें पता है क्या होता है, ये 2 के साथ 1 फ्री मिल रही है नूडल्स। और मैं बोलना चाहूँगी मेरे पापा जी और को भी बोलना चाहूँगी, अपनी फैमिली वालों को भी, कि वैसे तो ऑनलाइन शॉपिंग करना अच्छा है, लेकिन अगर कभी वैसे ख़रीदना हो ना सामान, तो यहाँ सन सिटी बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हर चीज़ में डिस्काउंट अच्छा खासा मिलता है। तो यहाँ पर 2 के साथ 1 फ्री है इसमें, लेकिन ऊपर फिर मैंने पढ़ा वो चिकन नूडल्स था, और जो मतलब ग्रीन कलर की डॉट जिस पे बनी होती है ना, वो वेजिटेरियन वाली होती है। तो ये वाली पता है, जब आप अगर आप कोरियन नूडल्स खाने लग जाओगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप जो ये मैगी और ये टॉप दूसरी जो होती है यिप्पी वगैरह सब भूल जाओगे, इतनी बढ़िया होती है। मैंने कल बना के खाई थी, मतलब कोरियन नूडल थी, इतनी टेस्टी, मतलब जी सा आ गया, इतना मज़ा आया। रात को खाई मैंने, रात को 11:30 बजे, इतनी बढ़िया थी ना। महंगी आती है थोड़ी नॉर्मल नूडल्स के कंपैरिजन में, जैसे नॉर्मल अगर 12 रुपये का पैकेट आता है ना, तो ये वाला कम से कम 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60 इस रेंज में मिलता है ये वाला पैकेट, मतलब ऐसा अलग अलग प्राइस होता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की मैक्रोनी पास्ता था, पता नहीं क्यों मैं लेना भूल गई, ले लेती, एक के साथ एक फ्री मिल रहा था पैकेट भी। तो यहाँ से ओट्स वगैरह मैं लेती नहीं क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, देखो फिर फ़ायदा क्या है, लेकर रखने वाली बात हो जाती है। पिछली बार ख़रीदा था एक ओट्स का पैकेट, कितने महीने हो गए, आज तक वो पैकेट ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता ये ओट्स वगैरह खाना। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये वाला एक देसी घी का डब्बा ले लिया, घी का डब्बा लिया मैंने, एक ही लिया है 1 kg 1 लीटर वाला जो भी है। और यहाँ विहान कह रहा था कि मम्मा कोक तो ले लो, वैसे मैं आई यहाँ से यही इसीलिए थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना इस तरीके का सामान सही डिस्काउंट पे मिल जाता है। तो ये देखो, ये कैच कोक नाम से है, लेकिन ये ठीक है पीने में, मैंने लास्ट टाइम मंगवाई थी, मुझे अच्छी लगी। 75 रुपये की एक बोतल देते हैं और एक के साथ एक फ्री मिलती है ये देखो इस तरीके से, तो 2 बोतल 75 रुपीज़ की मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं ना लास्ट टाइम मैंने वो लेमन फ्लेवर लिया था, वो नहीं लूँगी, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बाद में ठीक था, बस पी ख़त्म तो कर दिया, बट मैंने कहा स्प्राइट वाला जो फ्लेवर है ना, ये वाला ले लेते हैं, 2 बोतल मैं ये ले रही। एक बार तो मेरा मन में हुआ कि मैं पापा जी और के लिए भी ले लूँ, फ़ोन भी करने को हुई थी मैं कि उनसे पूछ लूँ, अगर उनको कुछ सामान यहाँ से चाहिए हो तो मैं ख़रीद के ले आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे सही रेट मिल जाता है। यहाँ देखो, एक के साथ एक फ्री मिलता है जूस भी, ट्रॉपिकाने वाला 2 के साथ 1 फ्री मिलता है। तो यहाँ से ना लास्ट टाइम मैं मिक्स्ड फ्रूट जूस लेकर गई थी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, विहान के लिए लिया था वो पी लेता है मुझे, लेकिन ये लीची वाला फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है।
तो ये दो डब्बों के साथ मुझे तीन डब्बे लेने पड़ेंगे, दो डब्बों के साथ एक डब्बा फ्री मिल जाएगा ट्रॉपिकाना का। और ये वाला फ्लेवर ना जैसे ठंडा ठंडा फ्रिज में रख लेते हैं, उसके बाद जैसे गर्मी में आते हैं या ऐसे ही थोड़ा शाम को थोड़ा बंदा चिल मारने के लिए थोड़ा सा पी लेता है, जैसे मैं भी पी लेती हूँ, ये तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो इस तरीके के ना मुझे, मेरे को फ्रिज में रखने का शौक है। जैसे कई लोगों को होता है ना कि खाने पीने का घर में अच्छा रखने का शौक है, मेरे को शुरू से है क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, तो मुझे रात को 12 बजे भूख लग जाती है और उस टाइम फिर बंदा यही सब खाता है चटर पटर टाइप सामान, तो इसीलिए मैं रखती हूँ अपने घर में। यहाँ पे देखो पेप्सी पे भी इस तरीके का डिस्काउंट मिल रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पर 25% ऑफ मिल रहा था। अगर आप इस तरीके से दो बोतल खरीदते हो तो उस पे दोनों पे 25% टोटल मिल जाएगा, बट मैंने पेप्सी नहीं ली क्योंकि मुझे पेप्सी पसंद नहीं है इतनी ज़्यादा, पेप्सी से ज़्यादा मुझे कोका कोला पसंद है फ्लेवर वाइज अगर मैं बात करूँ तो। बाकी ठीक है, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। विहान इशारे कर करके, मम्मी यहाँ पे चॉकलेट मिल रही है, चॉकलेट भी ले लो, मम्मी यहाँ पे ये वाला बिस्किट तो मैं खाता हूँ, मम्मी ये भी ले लो। चावल का भी ना मेरा 5 किलो वाला एक पैकेट रखा हुआ है, तो मैंने चावल नहीं खरीदा, बट इस बार नेक्स्ट टाइम खरीद के जाऊँगी अगले महीने तक मेरा वो चावल का ख़त्म हो जाए। हींग मैंने एक ली, यहाँ पे डिस्काउंट इन पे भी अच्छा खासा मिल रहा था। तो वैसे घर में ना अभी हल्दी भी रखी हुई है, नमक, नमक ना नॉर्मल नमक ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास एक पैकेट काला नमक का रखा है, सेंधा नमक भी रखा है, तो पहले मैं वो ख़त्म करूँगी फिर लाऊँगी वाइट वाला सॉल्ट। तो यहाँ ये डब्बे मेरे को, एक तो बिरयानी वाला ख़रीद लिया मैंने, वैसे मेरे को मसाले ना मैं कई डब्बे सोच रही थी कि मैं ख़रीद लूँ क्योंकि पापा जी को काफ़ी शौक है, क्योंकि वो कुछ कुकिंग करते हैं ना तो उसमें अलग अलग तरीके के मसाले ऐड करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे मसाले थे। तो इसमें से मैंने जीरा पाउडर ले लिया क्योंकि जीरा पाउडर मैंने कभी यूज़ नहीं किया खाना बनाने में, मैंने कहा चलो देखेंगे इसका फ्लेवर कैसा आएगा। और इसके अलावा मैंने एक बिरयानी मसाला लिया, एक किचन किंग भी ले लिया मैंने, और इधर मैंने वो भी लेने की सोच रही थी एक लेमन, वो नहीं होता क्या कहते हैं उसको, जलजीरा, जलानी जलजीरा, बट फिर मैंने वो लिया नहीं, वो ना दो मतलब वो पैकेट खुल अजीब सा लग रहा था, मतलब पैकेजिंग खुला खुला सा था, मैंने कहा रहने देते हैं। ये देखो ये इनकी क्रॉप टॉप्स वगैरह की, ये देखो ये हल्दी वगैरह इतनी रखी थी ना, मैं अभी नहीं खरीद रही। ये वाले मैंने सोयाबीन के दो पैकेट खरीद लिए यहाँ से, ये एक के साथ एक फ्री था यहाँ पे सोयाबीन चंक्स, क्योंकि ये अच्छी लगती है। आलू मटर की सब्जी जब आप बनाते हो ना, या फिर आप पुलाव भी बनाते हो तो उसमें ये ऐड कर देते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं कहा ये भी ले लेते हैं। सबकी एक्सपायरी डेट चेक कर करके रख रही थी मैं, तो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद ये बेबी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे यहाँ पर, बेबी प्रोडक्ट्स मैं कभी नहीं खरीदती हूँ क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स मेरे पास पहले मिले थे वो ही ख़त्म नहीं हुए, आज तक रखे हुए हैं। और यहाँ मेरे को ना मेरे परफ्यूम्स ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास एक भी परफ्यूम नहीं बचा है। एक परफ्यूम बचा था वो ना एक्चुअली शादी में लेकर गई थी मैं वो, और वो वहीं रह गया गलती से, अब कभी चक्कर लगेगा तब लेकर आऊँगी। तो पाउडर रखा हुआ है मेरे पास तो एक पॉन्ड्स का, बस वही अभी यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैं विहान के लिए काजू खरीदने लग रही हूँ, यहाँ पे देख लो रेट, आप देख लो सामने कितने का है ये। तो मैंने दो पैकेट खरीदे हैं यहाँ पर काजू के, देख लीजिए ये मैंने विहान के लिए ख़रीद लिए। करीबन कितना किलो लिया है काजू आप खुद देख लो, अंदाज़ा लगा लो। तो सबसे ज़्यादा महंगा मेरे लिए इस बार की अभी जो शॉपिंग करी आज मैंने, उसमें काजू रहे। काजू इसलिए ले लिए क्योंकि ज़्यादा तो देखो गर्मी करते हैं, अभी गर्मी का टाइम है, लेकिन थोड़े बहुत भी बच्चा खा भी सकता है, जैसे मान लो शाम को तीन चार काजू रोज़ दे दिए बच्चे को तो ठीक है। तो यहाँ पे ठीक लगे मुझे, प्राइस वाइज भी ठीक लग रहे थे, क्योंकि मैं वो लाती हूँ ना, वो कितना ग्राम का होता है वो पता नहीं कितने का डब्बा आता है, मैं कई बार ख़रीदती हूँ। तो इधर ना बहुत सारी टॉफ़ी वगैरह भी थी, तो भी हाँ जिद्दी कर रहा था, बोलता मम्मी दिलवा दो दिलवा दो, मैं रुकी नहीं, मैंने कहा आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं सामान। तो बहुत कुछ था, चिप्स भी थे अलग अलग तरीके के, ये देखो आप, यहाँ मैं आपको प्राइस दिखा रही थी, जो चीज़ मार्केट में 30 रुपये का केक मिलता है ना, वो यहाँ 25 रुपये का मिल रहा है, मतलब 5 रुपये कम रेट में। तो सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट होता है, तो अगर आप जैसे पूरे महीने की शॉपिंग कर रहे हो ना, तो आपका अच्छा खासा पैसा बच जाता है डिस्काउंट्स की वजह से। तो इसीलिए यहाँ से ही मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करना, अगर अब लेकिन दूर है मेरे घर से, बहुत दूर है। आज बड़ी दुखी हो गई थी मैं आते हुए, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से इसका जो रूट है ना, मतलब मेरे घर से वहाँ पे पुल बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से वहाँ पे ना पूरा वो बंद है। तो अलग से साइड में ना, मतलब पता नहीं अलग अलग गलियों में से घुमा के, जैसे कहते नहीं वो जब वी मेट का डायलॉग था, यतनाम की गलियाँ, मतलब उसी टाइप का, मतलब इतनी गलियों में से निकल निकल के मैं आई हूँ ना, बस पूछना मत आप। और पता है आज ये डिसीज़न क्यों लिया गया,
कि मतलब मम्मी का मतलब कि मम्मी अब पापा जी और के साथ रहेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी का पता है क्या हो रहा है, अभी पिछले एक हफ्ते से ना रोज़ गर्मी में ना 12 बजे निकल जाते हैं, चले जाते हैं बाज़ार, और फिर आते हैं शाम को 5 बजे, मतलब इतनी सड़ी हुई गर्मी में ना रोज़ अकेले निकल जाते हैं। आज तो पता है क्या बात हुई, मैंने ना पता है घर में ना ताला नहीं लगा के गई थी, मेरे घर में बैठे हुए थे उस टाइम मम्मी, मैं विहान को लेके चली गई, मैंने कहा आ जाऊंगी मैं, मेरी मम्मी ने क्या किया कि वो मेरे घर में ताला लगा के चाबी वहीं रख दी। सही में मतलब मेरे घर में ताला लगा के चाबी जैसे साथ में ही, मतलब वो आगे की साइड वहाँ रख दी कि निधि आएगी वो चाबी घर खोल लेगी। अरे भाई मतलब आप सोचो ना, मम्मी को मम्मी टाल भी तो कर सकती थी ना कि आज ना जाए बाजार, मम्मी को मतलब मम्मी ने एक बार ये नहीं सोचा, घर में देखो सामान रखा है सब कुछ रखा होता है ठीक है, तो घर में ताला लगा के चाबी वहीं पर ही छोड़ दी मम्मी ने, मतलब कोई आए तो वो देखे कि ताला लग रहा है, बट चाबी तो वहीं पर पड़ी थी ना, मेरे को मिल गई, और बाहर की साइड वैसे ही एक ताला अटका के रख दिया। तो वो चीज़ है, मेरे को थोड़ा लगा कि मतलब वो चीज़ मुझे थोड़ा लगा कि ना जैसे ना मम्मी को आज नहीं रुक जाते, इंतज़ार कर लेते ना मेरा, मैं आ रही थी जब जैसे यहाँ से आती उसके बाद चले जाते बाजार, क्योंकि ऐसे देखो ना घर बिल्कुल ही मतलब नहीं, ये नहीं कहती कि ताला नहीं था, लेकिन ताला लगा के चाबी घर के बाहर ही रख के चले गए कि निधि आएगी, तो उस तरीके से। तो बस वो चीज़ थोड़ा सा मैंने कहा, और बात ये है देखो इतनी गर्मी में बीमार वैसे है देखो उनका, और इतनी गर्मी में बुजुर्ग इंसान पूरा दिन दोपहर को बाहर बाजार में घूम रहा है, वो चीज़ सही नहीं है ना, गर्मी लग जाएगी, लू लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। बस यही कारण है कि ये चीज़ का मतलब थोड़ा सा कि मम्मी का ना थोड़ा सा क्या होता है ना कि मैंने तो आपको बता दी प्रॉब्लम जो भी है कि मेरी बात मानते नहीं हैं इसीलिए, और उनकी बात मानते हैं इसीलिए यही फैसला लिया। और यहाँ पे देखो घर आके, चलो मैं आपको तसल्ली से सारा सामान एक बार थोड़ा थोड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन नहीं कर रखी थी जिसकी वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है आपको, तो ये देख लो ये क्या है, बिरयानी मसाला है। पापा जी को कोई मसाला लेके जाना हो इसमें से वो ले जा सकते हैं, मेरे भाई को भी बोलूँगी अगर उसको कोई नूडल्स चाहिए हो इसमें से तो ले सकता है, और भी रखी हैं मेरे पास कोरियन नूडल्स भी रखी हैं और भी काफ़ी सारी हैं, अगर उसको कुछ मतलब पसंद हो इसमें से, जैसे जो मैंने इस बार मंगवाई हैं ये देखो ये वाली है, फ्लेवर्स अलग अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं क्योंकि उसको भी शौक है ये नूडल्स वगैरह का, जैसे मेरे को भी बहुत शौक है। पापा जी और को तो नहीं है, पापा और मम्मी तो कोई नहीं खाता ये नूडल्स वगैरह, तो बस यही कह रही थी मैं कि ना ये और भी थे काफ़ी फ्लेवर्स थे वहाँ पे। तो ये देखो चलो फ्लैश लाइट ऑन करके मैं अब दिखा देती हूँ, ट्राई करते हैं, और कोरियन नूडल सच में दी बेस्ट हैं, बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए जी यहाँ पे दिखा रही थी मैं, ये सोयाबीन चंक्स थे, कुछ चीज़ें मैंने आते ही ना इतनी गर्मी थी ना, मैंने सबसे पहले कोका कोला की बोतल फ्रिज में लगाई, फ्रीज़र में, कि ठंडी होएगी तो पियेंगे क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी। अभी ये वीडियो की एंडिंग करने के बाद मैं दोबारा से पीऊँगी, थोड़ी सी तो पी थी मैंने अभी घर जाके अभी कोका कोला, अब मैं दोबारा से पीऊँगी क्योंकि मेरे को फिर से प्यास लग रही, मतलब प्यास नहीं लगती बस अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में ना कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं पीनी, थोड़ी थोड़ी पीते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पीती, भर के गिलास नहीं पीती, एक टाइम में मैं बिल्कुल ही आधे से भी आधा गिलास लेती हूँ, थोड़ी लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही थी सारा सामान, और ये देखो जी विहान भी लगा हुआ है, ये देखो इस तरीके से, तो ये सारा टोटल सामान है, देखो कोल्ड ड्रिंक्स भी है। पापा जी अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी लेनी हो यहाँ से ले जाना, कुछ अगर लेना हो, मैं मेरा चक्कर तो दोबारा लग जाएगा अगर लेना हो घर के लिए वहाँ के लिए, कुछ जैसे ये स्प्राइट वगैरह, ये कोका कोला मैंने मंगवाई है जो ये बोतल, या रियल के जूस वगैरह भी रखे हैं, वैसे पूछ लूँगी पापा जी को अगर लेनी हो तो ले लेंगे कुछ इसमें से सामान, शॉपिंग जो मैंने करी है। तो ये देखो इस तरीके से ये सामान है, मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर रही हूँ, और ये चलो फ्रिज में कर देती हूँ बंद, और वीडियो की करते हैं हम चलो यहाँ पे एंडिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और ये देखिए जी यहाँ पे दिखा रही थी ये ट्रोपिकाना के, मैं लास्ट टाइम ये मिक्स्ड फ्रूट जूस लेकर आई थी, एक रियल का है, दो ट्रोपिकाना के हैं, ये सब पता है विहान पी लेता है, इसीलिए मैं फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बच्चा है, कभी कभी जैसे शाम को दे देती हूँ थोड़ा बहुत विहान को। बाय बाय।